हाउ टू डू अ प्रोफेशनल बैंडेज ऑन क्रिकेट बैट, अपने बैट पर प्रोफेशनल बैंडेज कैसे करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं यूके स्पोर्ट्स। बहुत सारे दोस्त यही कमेंट करते हैं कि उमर भाई आपने बैंडेज के लिए थ्रेड कौन सा यूज़ किया था, बैंडेज को स्टार्ट किस तरह से किया था और फिनिश किस तरह से किया था। अगर आप वीडियो को स्किप कर करके नहीं देखते हैं तो सारा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा, थ्रेड कौन सा यूज़ किया था, किस तरह से स्टार्ट किया था, किस तरह से बैंडेज को हमने फिनिश किया था। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपका कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ कि मैं थ्रेड कौन सा यूज़ करता हूँ और बैंडेज के लिए कौन सा थ्रेड यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है पॉलिस्टर थ्रेड जिसे बोलते हैं। कैमरा फोकस नहीं पकड़ रहा है तो यहाँ पर कैमरे ने फोकस पकड़ ली है। ये है पॉलिस्टर ट्विन, इसे कहा जाता है, लेकिन इसे आप पॉलिस्टर थ्रेड भी कह सकते हैं और क्रिस्टल थ्रेड भी कह सकते हैं। यहाँ पर ये पूरा बंडल है मेरे पास, कुछ इस तरह का आप चेक कर सकते हैं। ये आपको 250 से 300 रुपए का मिल जाता है और तकरीबन 40 से 50 मरतबा आप इससे बैंडेज कर सकते हैं। और छोटा वाला बंडल भी आपको 100 से 150 रुपए में ये मिल जाता है। देन उसके बाद हमने लिया है यहाँ पर वाइट ग्लू, इसका यूज़ लास्ट में करेंगे। किस तरह से करना है वो भी आपको लास्ट में बताऊंगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, इसके अंदर है वाइट ग्लू। देन हमारे पास है ये वाला थ्रेड, हमने इस लकड़ी के ऊपर जो है वो रोल कर लिया है कुछ इस तरह से, ठीक है जी। और यहाँ पर ये हमारे पास यूके स्पोर्ट्स का एक बैट, तो इस पर हम करने वाले हैं बैंडेज। चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो दोस्तों, यहाँ पर है हमारे पास ये वाला लकड़ी का पीस जिसके ऊपर हमने इस थ्रेड को रोल कर ली है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें से एक पीस कट कर लेना है कुछ इस तरह से, और इस पीस को आपने इस तरह से जो है वो बैंड करके इस तरह से आपने साइड पर यहाँ पर रख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जिस तरह से थ्रेड स्टार्ट करना है इस तरह से आपने थ्रेड को पकड़ना है इस तरह से, और यहाँ से आपने स्टार्ट करना है जहाँ से आप बैंडेज को स्टार्ट करना चाहते हैं। देन उसके बाद आपने अपने फिंगर को इस तरह से इस थ्रेड के ऊपर रख लेना है। इस फिंगर को यहाँ पर रखने के बाद आपने इस तरह से रोल करना है बैट के ऊपर बैंडेज को इस तरह से, और उसके बाद एक रोल आपने कर लेना है यहाँ पर। एक रोल जब आप कर लें, आपने यहाँ पर अभी टाइट नहीं करना है थ्रेड को, आपने थोड़ा सा लूज रहने देना है। यहाँ पर आपने कर लेना है सेकेंड रोल। जब आप सेकेंड रोल कर लेंगे देन उसके बाद आपने इस बैंडेज को हल्के हल्के से टाइट करते जाना है कुछ इस तरह से। जब आप आधी से ज़्यादा थ्रेड कंप्लीट कर लें, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो पीस लिया था उसे इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पर आपने रख देना है कुछ इस तरह से। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, कुछ इस तरह से आपने उसे यहाँ पर लगा देना है। देन उसके बाद आपने दोबारा से बैंडेज को उसी तरह से स्टार्ट कर देना है। जब आपकी बैंडेज कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहां से आपने इस वाले पीस को कट कर देना है। यहां से आपने कर लेना है इसे कट। इस तरह से कट करने के बाद आपने क्या करना है, जो हमने पीस लगाया था ये वाला, इसके अंदर से आपने इस वाले थ्रेड को इस तरह से निकाल लेना है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, इस तरह से आपने इसके अंदर से निकाल लेना है। देन आपने क्या करना है, इस वाले पीस को जो हमने इसके अंदर लगाया था इसे आपने इस तरह से खींचना है यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर हमारी फिनिशिंग हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिना किसी कील वगैरह के, नेल वगैरह के हमारी जो बैंडेज है वो हो चुकी है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, इस वाले पीस को आपने हल्का सा टाइट करना है, यहाँ पर आपने रोल कर लेना है। उसके बाद इस वाले पीस को हल्का सा आपने इस तरह से खींचना है। देन उसके बाद इसे भी आपने हल्का सा यहां से टाइट कर लेना है, इस वाले पीस को इस तरह से खींचकर। यहां पर अभी आप चेक कर सकते हैं हमारी बैंडेज जो है वो कितनी टाइट यहां पर हो चुकी है। देन उसके बाद आपने इन फालतू पीसेस को यहां से कट कर देना है।
तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं हमारी जो बैंडेज है वो बहुत ही प्रोफेशनल बैंडेज यहाँ पर हो चुकी है। तो उसके बाद गाइस आपने क्या करना है, जो हमने ये वाइट ग्लू लिया था, तो कुछ लोग कहते हैं भाई फेविकॉल और जिस तरह से एल्फी वगैरह है वो हम लगा सकते हैं, भाई वो आप नहीं लगा सकते, वो बैंडेज को बहुत ज़्यादा हार्ड कर देता है, तो आपकी बैंडेज बहुत ही जल्दी जो है वो टूटना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो है वो चिपका कर भी रखता है और सॉफ्ट भी रखता है। तो इस तरह से आपने वाइट ग्लू जो है वो हल्का सा चिपका देना है पूरी बैंडेज के ऊपर इस तरह से, ताकि ये जो है वो अच्छे से चिपक जाए। तो अभी आप चेक कर सकते हैं हमारे बैट पर बहुत ही जबरदस्त प्रोफेशनल बैंडेज यहां पर हो चुकी है। तो गाइस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, दो में याद रखिएगा अल्लाह निगहबान।